हाय एवरीवन, आज शेयर करने वाली हूँ डू दे लव यू। सो अगर आपके मन में किसी पर्सन का नाम है, आप अपने मन में सोचें और यहाँ मैं आपको शेयर करूँगी एज पर टैरो उनके लिए क्या आ रहा है कि क्या वो आपको लव करते हैं या नहीं। सो आपके सामने यहाँ पर दो सिंबल हैं, चूज वन, आइदर दिस और दिस। और यहाँ मैं आपको शेयर करने वाली हूँ आपके लिए क्या मैसेज हैं। सो अगर आपने फर्स्ट सिंबल को सेलेक्ट किया है, सो आपके लिए क्या वो पर्सन आपको लव करते हैं, लेट मी सी द फूल। देखो, वो पर्सन की तरफ से आपकी तरफ पैशन दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है और वो आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। यहाँ इस एनर्जी में पैशन भी है, अट्रैक्शन भी है, लव भी है और अटैचमेंट भी है। सो इट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग लाइक अ न्यू एनर्जी। यहाँ अभी उनकी मैच्योरिटी की एनर्जी नहीं दिख रही है, मतलब बिना किसी कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर आप बात करें तो वो रिलेशनशिप में लव एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। बट ये एनर्जी सिर्फ रोमांस की एनर्जी दिख रही है, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो यहाँ आपके लिए ये मैसेज है, सो लव इज देयर बट नॉट वेरी सीरियस वे और आइदर फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, अनदर थिंग, अगर आपने सेकेंड सेलेक्ट किया है, सो चेक कर लेती हूँ वॉट इज कमिंग फॉर यू इफ यू इज सेलेक्टिंग एज सेकेंड हेरोफेंट। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लव करते हैं और वो आपके लिए स्टेबिलिटी, मैरिज के प्रॉस्पेक्ट में भी सोच रहे हैं। ये काफ़ी पर्सन प्रैक्टिकल दिख रहे हैं तो ये बहुत जल्दी से आपको लव शेयर नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं मैरिज की प्लानिंग भी इनके मन में है। इनके मन में स्कोप है कि आपके साथ वो फ्यूचर डेवलप करें, फ्यूचर साथ में रहें, तो इट्स कमिंग ईयर्स फॉर यू। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू, फैमिली, कल्चर और आइदर सम ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करें, ब्लॉकेजेस बने, बट यस, उनकी तरफ से लव है। हाँ, बट बैरियर यहाँ दिख रहे हैं। सो दिस इज ऑल, आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड योर लव रिलेशनशिप। बाय।